करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आइए अब देखते हैं 20 मिनट में 20 खबरें। इंदौर नाम जब आप सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? स्वच्छता आना भी चाहिए, क्योंकि इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहर में एक है। लेकिन आज जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, उस तस्वीर को देखकर शायद आपको यकीन ना हो, आपका तलस्म टूट जाए। सामने दिख रही ये तस्वीर इंदौर की है, जहां सड़कों पर गड्ढे दिख रहे हैं। गड्ढों में पानी है और पानी के अंदर छिपे गड्ढों में मौत है। यकीन नहीं है तो सुनिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल एक 5 साल की बच्ची खेल रही थी, खेलते खेलते इस गड्ढे में गिर गई। गड्ढे में पानी भरा था, जिसमें डूबकर उसकी मौत हो गई। दरअसल नर्मदा पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था। ठेकेदार और काम करने वाले इतने लापरवाह थे कि सड़क पर गड्ढे खुले छोड़कर चले गए। उन्हें ये भी नहीं पता था कि गड्ढा नहीं बल्कि मौत है। अब बच्ची की मौत के बाद महापौर ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या महापौर पहले ठेकेदार और काम करने वालों को निर्देश नहीं दे सकते थे कि गड्ढे को समय से भर दिया जाए? क्या निगम प्रशासन को इस गड्ढे के बारे में पता नहीं था? और अगर पता नहीं था तो फिर क्या मान लिया जाए कि निगम हो या अन्य प्रशासन, सभी आंख मूंद कर काम कर रहे हैं। इस बच्ची की मौत कई सवाल को खड़े करती है और पूछती है कि इस मौत का गुनहगार कौन है। मध्य प्रदेश में दबंगों की तूती किस कदर बोलती है, इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। तस्वीरें श्योपुर से सामने आई, जहां सीताराम मंदिर की जमीन पर कब्जा करने को लेकर दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाई। जमीन कब्जा करने को लेकर इन बदमाशों ने एक महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट की। तस्वीरें देखिए, दबंग पहले महिला को धक्का देते हैं और फिर लात घूसों की बारिश कर देते हैं। इतना ही नहीं, दबंगों ने महिला के कपड़े तक फाड़ दिए। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे सरपंच पर दबंगों ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया। ये पूरा मामला विजयपुर थाना क्षेत्र के गांव के पास खेतों का है। मारपीट कर रहा आरोपी बदमाश विजयपुर के शराब ठेकेदार का भाई बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस खबर के बाद पुलिस इस पर एक्शन कब तक लेती है। कहते हैं जल है तो जीवन है, जब जल ही नहीं होगा तो जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हैं। और इस जल के लिए भोपाल के दानिश नगर में महिलाओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला है। दानिश नगर में पानी की समस्या है और पानी के लिए महिलाओं को रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इन परेशानियों से परेशान होकर महिलाओं ने आवाज उठाई है और घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर खाली बाल्टी, भगोना, लोटा, मटका बजाते नजर आई। तस्वीरों में देख सकते हैं महिलाएं पानी के लिए अनोखा प्रदर्शन कर रही हैं, साथ ही नारे भी लगा रही हैं कि वोट फॉर नर्मदा। महिलाएं कह रही हैं, सुन लो पुकार, नर्मदा जल दे दो सरकार। महिलाओं ने प्रदर्शन कर अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। एक तो बाघ की दहशत और उस पर से तेंदुए का अटैक, ये डबल अटैक हुआ है इंदौर के महू में, जहां एक तेंदुआ लगातार पालतू जानवरों पर अटैक कर रहा है। पिछले दिनों 6 से ज्यादा बकरियों का शिकार किया गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में तेंदुआ घूमता नजर आया। तेंदुए की दहशत से लोग घरों से निकलना बंद कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टाइगर के मूवमेंट की वजह से स्कूलों तक का समय बदल दिया गया है। सुबह की शिफ्ट के स्कूल नहीं लग पा रहे हैं, सिर्फ 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक ही स्कूल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग की तरफ से ड्रोन की मदद से बाघ और तेंदुए पर नजर रखी जा रही है। अब बात उस ट्रेन की जिसका इंतजार मध्य प्रदेश के वासियों को है। हम बात कर रहे हैं उस ट्रेन की जो आते ही आपकी जिंदगी में रफ्तार भर देगी। वो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। बता दें कि रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में 2 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। एक ट्रेन भोपाल से इंदौर जाएगी तो वहीं दूसरी ट्रेन रानी कमलापति से जबलपुर जाएगी। भोपाल से इंदौर जाने वाली वंदे भारत हफ्ते में 6 दिन चलेगी। ट्रेन भोपाल से इंदौर तक के सफर को सिर्फ 3 घंटे में तय करेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज सिर्फ उज्जैन में होगा, यानी भोपाल से इंदौर के बीच सिर्फ एक स्टॉपेज रखा गया है। तो वहीं रानी कमलापति से जबलपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी।
रानी कमलापति से चलने वाली ट्रेन हफ्ते के मंगलवार को नहीं चलेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज रानी कमलापति से चलकर नर्मदापुरम, पिपरिया, इटारसी और नरसिंहपुर रुकते हुए जबलपुर पहुंचेगी। आखिर जितनी दूर तक जाएंगी कलश यात्रा का नजारा दिखेगा और दिखेगा बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र शास्त्र की कथा के लिए लोगों में कितना उमंग है। राजगढ़ के खिलचीपुर स्टेडियम ग्राउंड में 26 जून से पंडित धीरेंद्र शास्त्र की कथा शुरू होने वाली है। कथा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जहां 100-200 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। ये कलश यात्रा कथा से पहले शुभारंभ के लिए की जा रही है। कथा शाम 4 बजे से शुरू होगी। वहीं 27 जून को पंडित धीरेंद्र शास्त्री दिव्य दरबार भी लगाएंगे। कथा के लिए भव्य वाटरप्रूफ डोम लगाया गया है, जिसमें एक साथ 2 लाख भक्त बैठ सकेंगे। कथा में लाखों लोगों के आने की संभावना है। 27 जून ये वो दिन होगा जब शहडोल की धरती पर प्रधानमंत्री अपना कदम रखेंगे, यानी कि 27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल के पकरिया आएंगे। यहाँ वो जनजातीय समुदाय के साथ भोजन करेंगे, जिसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी के चौपाल ग्रामीण परिवेश में दिखे, इसके लिए प्राचीन भारत से जुड़ी संस्कृति का ध्यान रखा जा रहा है। पीएम के लिए भोजन पकाने से लेकर परोसने तक सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है जो प्राचीन भारतीय सभ्यता का कभी मुख्य हिस्सा हुआ करती थी। पीएम मोदी के लिए कांसे की थाली और महुआ के पत्तल में खाना परोसा जाएगा। पीएम चंदिया की मशहूर सुराही का पानी पियेंगे। शहडोल प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटा है, वो सिर्फ पीएमओ के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। बता दें कि पीएम के लिए जो भोजन तैयार किया जा रहा है, उसमें विशेष तौर पर मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल किया जाएगा। चंदिया की मिट्टी से बने बर्तनों में कोदो भात बनाया जाएगा, उसी में कुटकी खीर तैयार होगी। वो नवजात बच्ची, उसे क्या पता वो दुनिया में आ तो गई, लेकिन उसे अपने साथ रखने के लिए कोई तैयार नहीं। कभी इस गोद तो कभी उस गोद, कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। दरअसल ये विवाद सरकारी और निजी अस्पताल में इलाज का है। खंडवा जिले के मलगांव के पास स्थित इंधारिया के पवन चौहान पत्नी राधा को डिलीवरी के लिए खंडवा जिला अस्पताल लाया। यहाँ उसे भर्ती कराया गया और फिर ऑपरेशन से इनके यहाँ एक बिटिया ने जन्म लिया। राधा का कहना है कि डिलीवरी के पहले मैं अपनी माँ के घर खरगोन जिले के हीरापुर गई थी और पास के ही सनावद के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी हो सकती थी। पति और ससुराल वालों ने खंडवा बुलाया तो लगा कि निजी अस्पताल में उपचार कराएंगे, लेकिन यहाँ सरकारी अस्पताल में लाए। मेरा पेट चीर कर उसमें ढेर सारे टांके लगा दिए गए। बेटी भी मेडिकल प्रॉब्लम्स में है। हम बेटी को साथ ले गए और कुछ हो गया तो आरोप हम पर लगाया जाएगा। वहीं पवन ने कहा कि लेबर पेन की वजह से पत्नी को सीधा जिला अस्पताल ले गए। हमने निजी अस्पताल में भी उसे ले जाने की तैयारी की थी, लेकिन समय ही नहीं मिला। इन्हीं बातों को लेकर पवन और राधा समेत उसके परिजन बच्ची को अपनाने की जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपते रहे। अब ऐसे में सवाल ये कि जो माँ बाप आज एक बच्ची की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे, वो अच्छा भविष्य कैसे देंगे? क्या उनके माँ बाप और परिजनों का दायित्व नहीं बनता कि वो नवजात को बेहतर इलाज दें और उसे अपने साथ रखें? ये कार्टन्स में रखी महंगी शराबें और उस पर चलता बुलडोजर, तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी से आई, जहां आबकारी विभाग ने करीब 61 लाख रुपए की कीमत की शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई आबकारी आयुक्त के आदेश के पालन में पूरी की गई। दरअसल सिवनी में अवैध रूप से शराब को स्टोर करके रखा गया था। आबकारी विभाग को इसकी जानकारी मिली तो कार्रवाई की और विभाग ने एक्शन लेते हुए सिवनी से विदेशी मदिरा भंडार गृह में स्प्रिंट की 2170 पेटियों और बियर की 4042 पेटियों को कुल मिलाकर 6212 पेटियों पर बुलडोजर चलाकर इसे नष्ट किया। शराब की कीमत करीब 61 लाख रुपए बताई जा रही है।
बारिश सिर्फ बलरामपुर में नहीं हो रही है बल्कि बिलासपुर में भी बारिश का दौर जारी है। और सिर्फ बारिश का दौर ही जारी नहीं है बल्कि निगम की लापरवाही का भी दौर जारी है। ये तस्वीरें उसी का एक उदाहरण है। दरअसल बिलासपुर में हुई बारिश से शहर के अधिकांश हिस्सों में पानी भर गया है। सड़कों और नालियों का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। ये तस्वीरें नगर निगम की पोल खोल रही हैं, बता रही हैं कि निगम जिस करोड़ों के काम करवाने की बात करता है वो करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी जल भराव की समस्या से छुटकारा नहीं मिल पाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या निगम जल भराव के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च करता है वो सही जगह खर्च किया भी जा रहा है या फिर कुछ और ही होता है। और अगर हो रहा है तो फिर ऐसी समस्या मॉनसून की पहली बारिश की शुरुआत में ही क्यों आ गई? जल भराव की समस्या निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। और देखना ये भी है कि निगम इस समस्या से निकलने के लिए क्या कुछ करता है। कल की बरसी को याद कर सीएम शिवराज ने बताया डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे भोपाल, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। वीडी शर्मा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर दी जानकारी, कहा 3000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम। पीएम मोदी के शेड्यूल दौरे के दौरान दिखेगा ठेठ देहाती रंग, कांसे के बर्तन और महुआ के पत्तल में करेंगे भोजन। श्योपुर के बिचपुरी गांव में दबंगों ने मां बेटी को जमकर पीटा, सीताराम मंदिर के जमीन पर कब्जा को लेकर मारपीट। छत्तीसगढ़ में कल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र, जगदलपुर में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होंगे सीएम, बच्चों को दिए जाएंगे गणवेश और किताब। बस्तर से कल शुरू होगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बूथ चलो अभियान, पार्टी के तेज की चुनावी तैयारियां, लोगों से सीधा संवाद बनाने की कांग्रेस की कोशिश। बिलासपुर में किसान को धमकाने के मामले में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरू असलम पर एक्शन, प्रदेश युवा कांग्रेस ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बिलासपुर में शराब पीने से मना करने पर होटल संचालक से मारपीट, व्यापार विहार के पंजाबी तड़का होटल का मामला। बिलासपुर में 20 लाख रुपए की इमारती लकड़ी जब्त, ट्रक से हो रही थी इमारती लकड़ी की तस्करी, रायपुर का लकड़ी तस्कर मौके से फरार। आपातकाल की बरसी को याद कर सीएम शिवराज ने बताया डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे भोपाल, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। वीडी शर्मा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर दी जानकारी, कहा 3000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम। पीएम मोदी के शेड्यूल दौरे के दौरान दिखेगा ठेठ देहाती रंग, कांसे के बर्तन और महुआ के पत्तल में करेंगे भोजन। श्योपुर के बिचपुरी गांव में दबंगों ने मां बेटी को जमकर पीटा, सीताराम मंदिर के जमीन पर कब्जा को लेकर मारपीट। छत्तीसगढ़ में कल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र, जगदलपुर में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होंगे सीएम, बच्चों को दिए जाएंगे गणवेश और किताब। बस्तर से कल शुरू होगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बूथ चलो अभियान, पार्टी के तेज की चुनावी तैयारियां, लोगों से सीधा संवाद बनाने की कांग्रेस की कोशिश। बिलासपुर में किसान को धमकाने के मामले में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरू असलम पर एक्शन, प्रदेश युवा कांग्रेस ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बिलासपुर में शराब पीने से मना करने पर होटल संचालक से मारपीट, व्यापार विहार के पंजाबी तड़का होटल का मामला। बिलासपुर में 20 लाख रुपए की इमारती लकड़ी जब्त, ट्रक से हो रही थी इमारती लकड़ी की तस्करी, रायपुर का लकड़ी तस्कर मौके से फरार। आपातकाल की बरसी को याद कर सीएम शिवराज ने बताया डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे भोपाल, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। वीडी शर्मा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर दी जानकारी, कहा 3000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम। पीएम मोदी के शेड्यूल दौरे के दौरान दिखेगा ठेठ देहाती रंग, कांसे के बर्तन और महुआ के पत्तल में करेंगे भोजन। श्योपुर के बिचपुरी गांव में दबंगों ने मां बेटी को जमकर पीटा, सीताराम मंदिर के जमीन पर कब्जा को लेकर मारपीट। छत्तीसगढ़ में कल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र, जगदलपुर में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होंगे सीएम, बच्चों को दिए जाएंगे गणवेश और किताब।
बस्तर से कल शुरू होगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बूथ चलो अभियान। पार्टी के तेज की चुनावी तैयारियां, लोगों से सीधा संवाद बनाने की कांग्रेस की कोशिश। बिलासपुर में किसान को धमकाने के मामले में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरू असलम पर एक्शन। प्रदेश युवा कांग्रेस ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बिलासपुर में शराब पीने से मना करने पर होटल संचालक से मारपीट। व्यापार विहार के पंजाबी तड़का होटल का मामला। बिलासपुर में 20 लाख रुपए की इमारती लकड़ी जब्त। ट्रक से हो रही थी इमारती लकड़ी की तस्करी। रायपुर का लकड़ी तस्कर मौके से फरार। आपातकाल की बरसी को याद कर सीएम शिवराज ने बताया डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे भोपाल। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। बीडी शर्मा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर दी जानकारी। कहा 3000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम। पीएम मोदी के शेड्यूल दौरे के दौरान दिखेगा ठेठ देहाती रंग। कांसे के बर्तन और महुआ के पत्तल में करेंगे भोजन। श्योपुर के बिचपुरी गांव में दबंगों ने मां बेटी को जमकर पीटा। सीताराम मंदिर के जमीन पर कब्जा को लेकर मारपीट। छत्तीसगढ़ में कल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। जगदलपुर में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होंगे सीएम। बच्चों को दिए जाएंगे गणवेश और किताब। बस्तर से कल शुरू होगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बूथ चलो अभियान। पार्टी के तेज की चुनावी तैयारियां, लोगों से सीधा संवाद बनाने की कांग्रेस की कोशिश। बिलासपुर में किसान को धमकी। कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक किरण, कैंसर हीलर सेंटर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरू असलम पर एक्शन। प्रदेश युवा कांग्रेस ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बिलासपुर में शराब पीने से मना करने पर होटल संचालक से मारपीट। व्यापार विहार के पंजाबी तड़का होटल का मामला। बिलासपुर में 20 लाख रुपए की इमारती लकड़ी जब्त। ट्रक से हो रही थी इमारती लकड़ी की तस्करी। रायपुर का लकड़ी तस्कर मौके से फरार। आपातकाल की बरसी को याद कर सीएम शिवराज ने बताया डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे भोपाल। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। बीडी शर्मा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर दी जानकारी। कहा 3000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम। पीएम मोदी के शेड्यूल दौरे के दौरान दिखेगा ठेठ देहाती रंग। कांसे के बर्तन और महुआ के पत्तल में करेंगे भोजन। श्योपुर के बिचपुरी गांव में दबंगों ने मां बेटी को जमकर पीटा। सीताराम मंदिर के जमीन पर कब्जा को लेकर मारपीट। छत्तीसगढ़ में कल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। जगदलपुर में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होंगे सीएम। बच्चों को दिए जाएंगे गणवेश और किताब। बस्तर से कल शुरू होगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बूथ चलो अभियान। पार्टी के तेज की चुनावी तैयारियां, लोगों से सीधा संवाद बनाने की कांग्रेस की कोशिश। बिलासपुर में किसान को धमकाने के मामले में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरू असलम पर एक्शन। प्रदेश युवा कांग्रेस ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बिलासपुर में शराब पीने से मना करने पर होटल संचालक से मारपीट। व्यापार विहार के पंजाबी तड़का होटल का मामला। बिलासपुर में 20 लाख रुपए की इमारती लकड़ी जब्त। ट्रक से हो रही थी इमारती लकड़ी की तस्करी। रायपुर का लकड़ी तस्कर मौके से फरार। आपातकाल की बरसी को याद कर सीएम शिवराज ने बताया डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे भोपाल। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। बीडी शर्मा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर दी जानकारी। कहा 3000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम।
पीएम मोदी के शहडोल दौरे के दौरान दिखेगा ठेठ देहाती रंग, कांसे के बर्तन और महुआ के पत्तल में करेंगे भोजन। श्योपुर के बिचपुरी गांव में दबंगों ने मां बेटी को जमकर पीटा, सीताराम मंदिर के जमीन पर कब्जा को लेकर मारपीट। छत्तीसगढ़ में कल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र, जगदलपुर में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होंगे सीएम, बच्चों को दिए जाएंगे गणवेश और किताब। बस्तर से कल शुरू होगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बूथ चलो अभियान, पार्टी के तेज की चुनावी तैयारियां, लोगों से सीधा संवाद बनाने की कांग्रेस की कोशिश। बिलासपुर में किसान को धमकाने के मामले में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरू असलम पर एक्शन, प्रदेश युवा कांग्रेस ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बिलासपुर में शराब पीने से मना करने पर होटल संचालक से मारपीट, व्यापार विहार के पंजाबी तड़का होटल का मामला। बिलासपुर में 20 लाख रुपए की इमारती लकड़ी जब्त, ट्रक से हो रही थी इमारती लकड़ी की तस्करी, रायपुर का लकड़ी तस्कर मौके से फरार। आपातकाल की बरसी को याद कर सीएम शिवराज ने बताया डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे भोपाल, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। बीडी शर्मा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर दी जानकारी, कहा 3000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम। पीएम मोदी के शहडोल दौरे के दौरान दिखेगा ठेठ देहाती रंग, कांसे के बर्तन और महुआ के पत्तल में करेंगे भोजन। श्योपुर के बिचपुरी गांव में दबंगों ने मां बेटी को जमकर पीटा, सीताराम मंदिर के जमीन पर कब्जा को लेकर मारपीट। छत्तीसगढ़ में कल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र, जगदलपुर में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होंगे सीएम, बच्चों को दिए जाएंगे गणवेश और किताब। बस्तर से कल शुरू होगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बूथ चलो अभियान, पार्टी के तेज की चुनावी तैयारियां, लोगों से सीधा संवाद बनाने की कांग्रेस की कोशिश। बिलासपुर में किसान को धमकाने के मामले में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शेरू असलम पर एक्शन, प्रदेश युवा कांग्रेस ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बिलासपुर में शराब पीने से मना करने पर होटल संचालक से मारपीट, व्यापार विहार के पंजाबी तड़का होटल का मामला। बिलासपुर में 20 लाख रुपए की इमारती लकड़ी जब्त, ट्रक से हो रही थी इमारती लकड़ी की तस्करी, रायपुर का लकड़ी तस्कर मौके से फरार। आपातकाल की बरसी को याद कर सीएम शिवराज ने बताया डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी।